लेकिन हम बीच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम आए हुए थे तो गए थे हम, उनका हालचाल पूछा और तबीयत खराब रहते हुए भी जो देश में जो अभी हिंदू मुस्लिम और NRC वगैरह NPR का जो झंझट चल रहा है उससे थोड़ा चिंतित यानी मन उनका हमने देखा चिंतित, तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल आदमी हैं, बात करने में उनको कठिनाई है, बात नहीं कर रहे थे लेकिन चिंता उनकी थी और वैसे बीमारी के बारे में वो थोड़ा भीतर से हैं भी घबराए हुए, कुछ बोर्ड वगैरह का लेखन वगैरह की बात हो रही कि उनको यहाँ रखा जाए कि बाहर ले जाया जाए, बाकी और सब तो क्या बोले, वो जाना चाह रहे हैं बाहर? नहीं नहीं, वो जाने अपना कोई उन्होंने नहीं दिया, उनका यही है कि अभी लोग क्या तय करता है उस पर, अच्छा ध्यान उस तरफ उस तरफ। ये जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा में जो चर्चा हुई, ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो पुरानी बात है। और सवाल है कि जातीय जनगणना पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी मिल जाए, उसको उसका हक मिल जाए, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहा है कि पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? भाई सवाल है कि लोग अपनी स्थिति समझते हैं कि अगर जातीय जनगणना हो गई तो जितना हम दावा कर रहे हैं वो दावा हमारा फेल हो जाएगा और जिनको नहीं मिल रहा है, जो जातिगत आधार पर जिनकी संख्या बहुत है उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा नागरिकता संशोधन कानून बना, CAA बना, तो उसमें संविधान का उल्लंघन है। CAA भाई वर्तमान में जो संविधान कहता है कि समता के आधार पर हम नागरिकता देंगे और CAA कहता है कि धर्म के आधार पर हम नागरिकता देंगे, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चोट है। तो नीतीश कुमार जी ने अभी NRC और NPR के बारे में विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया कि यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन जो खतरा था जी, धर्म के आधार पर नागरिकता देने का, उस पर उन्होंने हाथ उठा दिया और सपोर्ट किया और इधर विरोध कर रहे हैं, तो हमको उनकी नीति समझ में नहीं आ रही है। वैसे उनके ऐसी नीतियों से उनकी विश्वसनीयता घट रही है।